वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अमीक्षा। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक पे अर्निंग करने का तीन बेस्ट तरीका है, जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सरशिप से और एफिलिएट मार्केटिंग करके। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका 10,000 फॉलोअर होना चाहिए। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं से आपको पूरा पेज कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम अपने अब मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ से फेसबुक खोलते हैं। खोलने के बाद ये राइट साइड में थ्री डॉट है ना, उस पर क्लिक किए और नीचे में देखिए पेजेस लिखा हुआ है, पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अब ऊपर में देखिए लिखा हुआ है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पेज का नाम फीड करेंगे, जिसमें हम अपना पेज का नाम टेक्निकल अमीक्षा रखते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी का आप इसमें वीडियो अपलोड करेंगे या कौन सा कैटेगरी का रहेगा, जिसमें म्यूज़िक हो गया, बैंड, हेल्थ, ब्यूटी, ग्रोसरी, कुछ भी। इसमें मेरा टेक्नोलॉजी पे रहेगा, मेरा टेक्निकल है तो हम इसमें साइंस एंड टेक्निकल कर देते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ इंटरटेनमेंट का भी अगर डालने का होगा तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी डाल देते हैं। ओके, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से हम लोगों को पूछेगा कॉन्टैक्ट। यहाँ तो मेरे वेबसाइट तो है नहीं, तो वेबसाइट नहीं डालना है, लोकेशन डाल देना है, जो भी आपका लोकेशन है। ओके, यहाँ पे अब लोगो और बैनर के लिए है, ये बाद में अपलोड कर देंगे हम। ओके, यहाँ से अब हम लोग डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब मेरा फेसबुक पेज बन गया है। अब इसको कुछ सेटिंग्स हैं, उसको मैनेज करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड इमेज है, यहाँ पे देखिए हम ऐड पे क्लिक करते हैं, ये मेरा बैनर रहेगा, इसको अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद अब हम लोग जहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग अब लोगो अपलोड करेंगे। ओके, ये मेरा लोगो है, ये लोगो अपलोड कर दिए, यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद सीधा हम लोगों का देखिए अब हम लोगों का बैनर और लोगो दोनों शो करने लगा है। यहाँ से सेव कर दिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो इनवाइट फ्रेंड्स, ये सबको अभी मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, अब मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। इसको अब व्यू एज करके देखते हैं कि कैसा शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है टेक्निकल अमीक्षा, नीचे में साइंस एंड टेक, लेकिन यहाँ पे फॉलो का बटन नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग अब जाएंगे करंट टेम्पलेट चेंज करने के लिए, जिसमें मेरा पहले स्टैंडर्ड था, इसको वीडियो पेज में करना है, क्योंकि हम वीडियो डालेंगे ऑब्वियस है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट है, जिसमें स्टैंडर्ड है, बिजनेस है, वेन्यूज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज, बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को अप्लाई कर देते हैं। ओके, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें फॉलो करने का, इवेंट्स का, ग्रुप्स का, वीडियोस लाइव, बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको शेव कर देंगे। शेव करने के बाद अब हम लोगों का देखिए टेम्पलेट हैज बीन अपडेटेड। अब हम बैक जाएंगे। यहाँ से बैक जाने के बाद देखिए ये हम लोगों का जो साइंस टेक के नीचे जीरो फॉलोअर्स लिखा हुआ है ना, पहले ये शो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट था। वो उसके बाद हम जाके चेंज किए वीडियो पेजेस में, तब जाके मेरे पेज पे फॉलोवर्स शो होना शुरू हुआ। ओके, यहाँ से देखिए मेरा पेज कैसा शो हो रहा है। यहाँ से आप सेंड मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा देखिए लोगो और बैनर अपलोडेड है। ओके, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे एडिट पेज पे। एडिट पेज पे जाके कुछ सेटिंग्स करना है। ओके, जैसे मैं पेज इन्फॉर्मेशन में आपको आपके पेज के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, उसके बाद ऐड फोन नंबर करना है, ईमेल आईडी ऐड करना है, अगर वेबसाइट है आपके पास तो वेबसाइट भी डाल देना है। यहाँ पे अपडेट डिस्क्रिप्शन में हम अपने बारे में कुछ छोटा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ओके, यहाँ हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं, उसको हम अब इसको शेव कर देंगे। शेव करने के बाद
इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ से हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर अपडेट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं अब जहाँ से भी हो उसका कोड इसमें फिट करना है। जैसे मैं हम इंडिया से हैं, इंडिया का फिट कर दिए, अपना नंबर यहाँ पे अब डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ से हम लोग ऐड ईमेल आईडी करते हैं। अपना ईमेल आईडी डाल देना है यहाँ से। ईमेल आईडी डालने के बाद इसको भी उसी तरह सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद ये कंप्लीट आपका अपडेट हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसमें आर्स का दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ऑलवेज ओपन कर देना है कि आपका पेज विजिटर कभी भी आके देख सकता है। ओके, ये कंप्लीट हम लोगों का पेज मैनेज हो चुका है, सेटिंग कर दीजिए इसका। अब यहाँ से हम लोग बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब फेसबुक अकाउंट के होम इंटरफेस पे जाते हैं। वहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं टेक्निकल समीक्षा, देखते हैं ये पेज हम लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हो रहा है। यहाँ से हम इसको फॉलो भी कर सकते हैं, भले हम अपना अकाउंट से ही फॉलो कर रहे हैं लेकिन यहाँ से आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।